ओह चलते हैं एक लंबे सफर पर। ये फरहान यानी कि मैं और मेरे साथ एक सफरी दोस्त यानी कि ये हुसनैन। और ये वीडियो बहुत पुरानी है, अब हम जवान हो गए हैं। हैं वैसे की वैसे ही। अब ये सफ़र शुरू होता है कि झेलम से हम जाते हैं कश्मीर, और कश्मीर से नरान, नरान से कागान, शुगरान, गिलगित बल्तिस्तान, जलाज, तासु, बशाम, अस्तोर्स, करदू, चाइना बॉर्डर, हमजा, खंडर। तो हो चलते हैं एक लंबे सफ़र पर, देखते हैं इस सफ़र में क्या क्या एडवेंचर और क्या क्या होता है हमारे साथ। हाँ जी, अभी हमने अपने टूर की शुरुआत की, अभी हम निकल रहे हैं झेलम गांव से। आज की हमारी पहली जो डेस्टिनेशन है वो है गंगा चोटी। तो हम वाया जीटी रोड से जाएंगे गंगा चोटी कश्मीर में। तकरीबन उधर पहुंचते हुए उम्मीद है कि 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी सुबह के 6:15 हुए हैं, तो अभी हम गंगा चोटी के लिए निकल रहे हैं। आज का मौसम इतना खास कुछ ठंडा नहीं है, गर्म ही मौसम है। अभी तक तो ठंडी हवा है, लेकिन आगे चल के मौसम 38 डिग्री तक जाएगा, तो हवा काफ़ी गर्म हो जाएगी। लेकिन अब कोशिश यही है कि जितनी जल्दी जितने से जितना सफ़र तय हो जाता है इस ठंडी हवा में हो जाए, क्योंकि जीटी रोड पे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो जाती है। जब धूप ऊपर से धूप होती है, रोड की तपिश भी होती है और गाड़ियों की तपिश भी होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या सीन होता है। अभी तो निकले हैं, अभी अपने गांव में से ही जा रहे हैं जीटी रोड की तरफ। अब जीटी रोड पे देख के जाके देखते हैं कि उधर क्या सीन है। हाँ जी, अभी हम ये जीटी रोड पे चढ़ाए हैं। अब इधर से यू टर्न लेके इस्लामाबाद की तरफ मुंह करने हैं। तो इधर से 1, 2, 3, तो अब ये हमारा राठियां से इस्लामाबाद की तरफ मुंह हो गया। तो अब हम इस्लामाबाद जाएंगे, तो इस्लामाबाद से पहले ही कोटा की साइड से फिर हम कश्मीर वाली साइड पे हो जाएंगे। अब ये हमारे सफ़र की पहली चढ़ाई शुरू हो गई है। ये सुहावा में पहुंच के आती है, सुहावा की चढ़ाई हम इसे कहते हैं। तो बड़ी शदीद लगातार ना एक जालम किस्म की चढ़ाई है। और अगर आप झेलम से इस्लामाबाद जाएं तो पहली दफ़ा आपको पहाड़ भी यही नज़र आते हैं, छोटे से पहाड़ तो नहीं कह सकते, पहाड़ियाँ कह सकते हैं। और ये पहला जो सामने है पहाड़, ये हमारा पहला व्यू है। लेकिन अभी जीटी रोड पे तकरीबन 25-26 मिनट हो गए हैं सफ़र करते हुए, और हमारा टोटल 2 घंटे का जीटी रोड पे सफ़र है। तो मतलब आप कह लें कि 25% हुआ है। हाँ जी, ये इस तरफ जो ये पहाड़ों का सीन है ना, ये क्या मिट्टी के पहाड़ है और क्या इनकी ना सीन बनता है। ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, और जब भी मैं इधर से गुजरता था ना, तो ये पहाड़ मैं देखता रह जाता था। क्या ज़बरदस्त इनकी कटिंग हुई हुई है दोनों साइड पे, और ज़बरदस्त किस्म का। लेकिन आज तक कभी इतफाक़ नहीं हुआ यहाँ रुक के करें, क्योंकि रास्ते में आता है, यहाँ कभी ब्रेक नहीं लगाई, बस गुजर जाते हैं इसको देखते हुए। हाँ जी, अब ये हमारी जीटी रोड तकरीबन ख़त्म होने ही वाली है। ये कलर सईदा से गुजर रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जीटी रोड से उतर के इस्लामाबाद वाली रोड पे चढ़ेंगे, और उसके आगे फिर एक जगह आती है खन्ना पुल, उधर से राइट हो जाएंगे कोटा की तरफ, और उस साइड से फिर हम कश्मीर जाएंगे। देख लें जी रश का हाल, और इधर कोई भी इंतज़ार नहीं करता किसी के पीछे रुक गए, तो ये एक ट्रक रुका हुआ है उसकी वजह से रश है। और लोगों का दिल होता है बस गाड़ी रुके ना, और कच्चे से भी उतर के जा रहे हैं, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए,
जो मर्जी हो जाए बस गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, चले जाओ। ये आगे इस्लामाबाद बाईपास आ गया, तो इधर से हम उतरेंगे, तो इधर से हम जीटी रोड को टाटा बाय बाय करेंगे। ये इस्लामाबाद का बोर्ड आ गया, ये हम अब जीटी रोड से उतरे हैं। अब ये रोड जाती है जी कोटा, और कोटा से फिर आगे हम कश्मीर में एंटर होंगे। तो आए ये क्या बात, आधी रोड तो मवेशियों ने ली हुई है। फिलहाल तो इस रोड के बुरे ही हालात हैं, लेकिन कह रहे थे कि आगे से कोटा वाली रोड नहीं बनी हुई है। अब आगे देखते हैं कि वाकई बनी हुई है या नहीं बनी हुई। सही ना चॉकलेटी रोड है, फुल ना ये न्यूटेला ही पड़ा हुआ है रोड पे। आए बस लोग भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये देखे जी कच्चे से बस ही आ रही है पूरी। मैं सोच रहा था मैं मोटरसाइकिल कैसे चलाऊंगा। आगे एक और आ रही है, हाय हाय मार छटे आए। इस रोड ने तो तोड़ ही दिए। अब ज़ालिमों पूरे सफ़र में कुछ भी नहीं हुआ, और ये तकरीबन 5 मिनट में ना मेरा मुंह भी सारा पसीने में डूब गया, और ना नीचे टी शर्ट भी मुझे फील हो रही है गीली गीली, वो भी पसीने में डूबी हुई है। पानी ख़त्म हुआ है, अब डस्ट शुरू हो गई है, बंदा किस किस से बचे। अब आगे शायद नज़र आ रही है रोड, शायद हो या ना हो। हाँ जी अब इधर से शुरू तो हुई है रोड, अब पता नहीं ये नई है या नहीं है, पुरानी है, आगे कहाँ तक बनी हुई है। लेकिन एक जहाँ से चाय पी थी उसने बताया था कि आगे रोड बनी हुई है। अब देखते हैं कि कहाँ तक मिलती है, फिलहाल जान तो छूटी ना इस गंदे रास्ते से। अब आगे देखते हैं कि रोड किधर तक जाती है। हाँ जी अब हम कोटा पहुँचे हैं जी। इधर कोटा से क्रॉस करके फिर इसके बाद पंजाब की हदूद ख़त्म हो जाएगी। आगे एक पुल आता है, उसके बाद फिर हम आज़ाद कश्मीर की हदूद में एंटर हो जाएंगे। तो ये कोटा शहर है, अभी तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा आ गया, टोटल तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं घाट से ले गए इधर तक। हम सफ़र पे ही हैं, अब आगे देखते हैं कि और कितना टाइम लगता है। मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटे और लग जाएंगे डेस्टिनेशन नंबर 1 पे पहुंचते हुए। हाँ जी काफ़ी मुश्किल रास्ते के बाद अब हम एंटर होने जा रहे हैं गंगा चोटी, नहीं रावला कोट में, फिर रावला कोट से हम जाएंगे बाघ और फिर गंगा चोटी। अभी 2 घंटे 18 मिनट बता रहे हैं, लेकिन अब नेक्स्ट स्टॉप हम रावला कोट नहीं करेंगे, बाघ में करेंगे, उधर लंच वगैरह करेंगे। और अभी पिछले 6 घंटे हो गए हैं हम मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं,
तो अब यहाँ रोडों की भी सूरत हाल अच्छी है, बस थोड़ी सी सुस्ती हो गई है, नींद आ रही है। अब आगे देखो क्या होता है, ठंडी ठंडी आवाज़ जब पड़ती है तो फिर नींद तो आ ही जाती है ना। थोड़ा सा मौसम गर्म है और लेकिन हवा ठंडी है, ये जो कम्बिनेशन है इससे नींद आना शुरू हो गई है। और अब तो भूख भी लगी हुई है, तो अब देखते हैं कब बाग आता है और कब खाना शाना खाते हैं, खाना कैसा मिलता है। मैं इससे पहले रावला कोट आया हूँ काफ़ी दफ़ा, लेकिन बाग में नहीं गया हुआ। तो अब नेक्स्ट हमारा स्टॉप बाग में होगा, तो बाग में देखते हैं क्या सीन है। अब इधर से सीधा अगर चले जाएं तो हमारा रावला कोट आता है, लेकिन हम लेफ्ट जाएंगे, ये रास्ता बाग और मुजफ्फराबाद की तरफ जाता है। तो अब ये हम लेफ्ट हो गए हैं बाग और मुजफ्फराबाद की तरफ। अब इधर से सारी जगह मेरे लिए नहीं है, मैं आगे जितनी दफ़ा भी आया हूँ सीधा रावला कोट निकल गया था, और फिर रावला कोट में आपके वो तोली पीर और बंजोसा वगैरह बंजोसा लेक आ जाती है। लेकिन अब हम बाग की तरफ जा रहे हैं, बाग वहाँ यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है रावला कोट से। और अब 48 किलोमीटर मतलब डेढ़ घंटा, अब डेढ़ घंटा भूख और बर्दाश्त करनी पड़ेगी और फिर हम पहुँचेंगे बाग। अब ये रास्ता जा रहा है बाग शहर की तरफ, शॉर्टकट है रावला कोट के साथ। उधर रोड मेन रोड पे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ से उतरे, तो अब हम जा रहे हैं इस शॉर्टकट के थ्रू। ये उधर लोगों से भी पूछा और गूगल मैप भी यही रास्ता बता रहा था कि यहाँ से आप तकरीबन 15 मिनट आधा घंटा जल्दी पहुँच जाएंगे और रास्ता भी शॉर्ट है। तो अभी इधर से 45 मिनट से ले गए 50 मिनट तक बाग पहुंच जाएंगे, और तब भी कुछ खाने को मिलेगा। भूख बहुत अब शदीद लगी है, अब तो आंखों के सामने पहली डेस्टिनेशन नहीं बाग शहर आ रहा है कि कुछ खा लें। और यहाँ से ढलान है हर मोड़ पे, पहले ऊपर चढ़ते आए हैं अब नीचे जा रहे हैं। हाँ जी, ब्रेक होगी गर्म, पता ही नहीं लगा मुझे रंग ब्रेक रिम, अब रिम का कलर ही चेंज हो गया जी। चलो रंगन की सोना लगता जी। हाँ जी, तकरीबन 6.5 घंटे की राइड के बाद अब कुछ ना सीन नज़र आने शुरू हुए हैं। पहाड़ों में मोड़ हैं, जा रहे हैं, कभी चढ़ाई आती है कभी नीचे उतरना पड़ता है ना। अब सही मज़े आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बाग को तकरीबन 40 मिनट और लग जाएंगे फिर कोई रोटी नसीब होगी। अब देखें कब आता है बाग। हाँ, ये भी खाना हो गया। अब बाग से हम ये गंगा चोटी वाली रोड पे चले गए हैं, ये 25 किलोमीटर है लेकिन चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि 1 घंटा लगेगा। तो खाना वगैरह खाया अभी इधर से, नहीं खाने खाने के बाद नींद बहुत ज़्यादा आने लग पड़ी, फिर रेडबुल लिया, वो मिल गया फाइनली, तो थोड़ी सी कैफीन इनटेक की। अब देखते हैं कि कैफीन कब तक जगा के रखती है। सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं और अभी मेरे हाल 2 हो गए हैं, तो तकरीबन हाँ अभी 2 हो गए हैं, अब तकरीबन 3 बजे पहुँचेंगे गंगा चोटी। और अभी तक इधर तो मौसम गर्म ही है, शायद ऊपर जाके थोड़ी सी ठंड शुरू हो जाए, और रास्ते भी काफ़ी खूबसूरत है। बस हर तरफ व्यू ही व्यू है, सीन ही सीन है, और ये जितना मर्ज़ी बंदा थका हो टूटा हो ना, जब खूबसूरत सीन नज़र आते हैं ना वो बस बंदे को आगे लेके जाते हैं, हिम्मत जवाब दे देती है लेकिन सीन जवाब नहीं देते। तो अब ये चढ़ाई मुसलसल शुरू हो गई है, पर चढ़ाई चढ़ने का ये फ़ायदा है कि जितनी जितनी चढ़ाई चढ़ेंगे उतनी उतनी ठंड बढ़ती जाएगी ऊपर।
जी 8 किलोमीटर रह गया और 24 मिनट, और अभी और चढ़ाइयाँ शुरू हो रही हैं ऊपर। लेकिन इधर ना दोनों साइड पे दरख्त हैं, छाँव हैं, जिसमें ना ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। मोटरसाइकिल गिंग गिंग कर रही है। अब आगे देखते हैं आगे के और क्या सीन है। आप बस ना अब ये व्यू चेक करें, बंद हो गई है। हाँ जी, बाइक का लगता रिजर्व लग गया, बंद हो गई है। और बस आप इधर ना व्यू चेक करेंगे। ला चल गई है, रिजर्व लाया था शायद, था लेटर लिया पेट्रोल। चल चलें अब आगे देखते हैं और क्या सीन है। एचर सी रेडी है। चढ़ाई जालम किस्म की है कि दो बंदे बैठ के नहीं चढ़ी थी, 150। अब उस्ताद मोहतरम खुद गाड़ी चलाएंगे। साड़ी तो बस से हेलमेट में होती है। ये अब उस्ताद साहब की भी बस होगी, बंद होगी गाड़ी। अब हम जा रहे हैं पैदल चल के, आगे देखें। रह 3-4 किलोमीटर ही गया, उसके आगे पता नहीं अब क्या सीन है। कहाँ यार, हाँ गाड़ी गर्म होगी। और उस्ताद मोहतरम ने रोकी भी धूप में ही है। चाल ऑयल लेंदा हाँ जी, तकरीबन 5 बजे के उठे हुए, अभी 3 से ऊपर टाइम हो गया। तो अभी हम अपनी डेस्टिनेशन नंबर 1 गंगा चोटी पे पहुँचे हैं। तो अभी अब इधर अभी बारिश, जब पहुँचे हैं तो बारिश लगी हुई थी, अब बारिश रुकी है। तो अभी इधर देखेंगे कोई टेंट वगैरह अभी लगाएंगे, कोई सीधी सी जगह मिले। वो बाइक जा रही है, उधर एक जगह मिली है, उधर टेंट वगैरह लगा के फिर कुछ खाए पियेंगे और अभी शाम गुजारेंगे। और उसके बाद मैं आपको इधर गंगा चोटी के व्यूज़ दिखाता हूँ कि यहाँ के क्या सीन है।
ये मेरी जिंदगी की पहली कैंपिंग। आप ये सीन चेक करें, ये सारा टेंट लगा हुआ है और इसके बाहर ये पहाड़ है ज़बरदस्त किस्म के ना। ये व्यू है, पहली दफ़ा पहली डेस्टिनेशन पे कैंपिंग। पहुँचाए, मुश्किलों से पहुँचे पर पहुँचाए। तकरीबन 9 घंटे का सफ़र था घर से इधर तक। इसके बाद अभी मैं इधर थोड़ा रेस्ट करके ड्रोन वगैरह उड़ाएंगे और आपको व्यू दिखाएंगे कि पहली डेस्टिनेशन के कैसे व्यू हैं, गंगा चोटी के क्या सीन है। ये डे 1 है और ये ना कैंप में फुल सीन ऑन है और पानी ना थोड़ा थोड़ा आ रहा है अंदर, लेकिन ना ज़्यादा नहीं। लेकिन जो अंदर वाली जगह ये सेफ है, ये डबल लेयर है, इसमें से ना थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन स्प्रे की शक्ल में। और बारिश के ना पूरे ही सीन लगे हुए हैं। अब देखें पहला दिन कैंप का और क्या बनता है। इधर तेज़ बारिश की तो फिर भी है रहा, साथ में ना इधर बर्फबारी शुरू हो गया लेकिन स्नो नहीं, हेल्स ओले पड़ गए हैं, ऐन पै गई है। अब पता नहीं उस की वजह से ना, जब बड़े बड़े पीस पड़ते हैं ना कैंप पे, तो जो बाइट वाली लेयर है ना उसमें से थोड़ा थोड़ा ना स्प्रे की शक्ल में पानी अंदर आता है। लेकिन आज पहला एक्सपीरियंस है और देखें जब से आए हैं कैंप में ही फंसे हुए हैं। आगे देखिए, अब बाहर निकलने का टाइम भी नहीं मिला, हो सकता है आप सो जाएं और सुबह सोने का टाइम तो नहीं, अभी 5:45 हुए हैं, सुबह ही देखने होंगे सीन। बस थोड़े बहुत 10 मिनट भी कैंप लगाते हुए जो सीन देखे हैं वही सीन देखे हैं। वो खोला पहला बूट अंदर का ये रहा। वाटरप्रूफ नहीं, अंदर नहीं गए होने, हाँ जी बारिश रुकी है अभी थोड़ी, सारा कुछ गीला, शूज हम बाइक भूल गए थे और अब ये गंगा चोटी के सीन्स हैं सारे। सर्दी काफ़ी हो गई है, मेरी तो आम भी लग गई थी, लेकिन ये बादल के मज़े देखें आप। मोटरसाइकिल पे कपड़ा चढ़ना भी भूल के, शूज़ पहनना भी अंदर रखना भूल के, हर चीज़ गीली हो गई है। और अब शाम हो रही है, ये सारे शाम के सीन है। मसला ये था कि इधर तेज़ बारिश तूफ़ानी और तूफ़ान आ गया था, ओले बारी हो रही थी, बर्फ़बारी थी। हमने टेंट लगाया, बाद में उठा के हमने जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की, टेंट को बारिश में लपेटना शुरू किया। और अब वो मेरे पीछे देखें, अब धूप निकल आई है, जैसे ही मोटरसाइकिल राइडिंग है किक मारी है, मोटरसाइकिल स्टार्ट की है, धूप निकल आई है। लेकिन अब हम इधर से मुजफ़्फ़राबाद जाएंगे, उधर कहीं होटल ढूंढ के उसमें स्टे करेंगे क्योंकि अब कैंपिंग वाला सीन नहीं होगा। हाँ जी, गंगा चोटी कैंपिंग से चलते 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 चलाते चलाते थके हुए अब इधर हम आ गए मुजफ़्फ़राबाद। अब इधर होटल में स्टे की है, अब कल सुबह इधर से ना, ये मेरी आँख की हालत देखे क्या हो गई है, अब सुबह इधर आँख से इधर से ना फिर हम नीलम की तरफ जाएंगे। और आज हमारा फर्स्ट डे कैंपिंग, कैंप की जगह अब नाइट में होगा, तो अब देखते हैं अगले डे टू में क्या होता है। अभी तक आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं डे 2 पे।